Hey everyone, welcome back to my channel. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे मैं अपने फेशियल हेयर रिमूव करती हूँ. बेसिकली अभी सबको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से हम लोग सैलून वगैरह नहीं जा सकते हैं क्योंकि सारी सर्विसेज टेम्परेरी अभी बंद कर दी गई हैं, और घर पे ही रहिए, सेफ रहिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. लेकिन फेशियल हेयर्स का क्या कर सकते हैं गाइज, उनको तो ग्रो करना ही है. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं कैसे घर पे ही अपनी फेशियल हेयर रिमूव करती हूँ और साथ में अपनी आईब्रोज, अपर लिप्स एंड फोरहेड भी मैं घर पे ही कर लूँगी. तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं सब कैसे करती हूँ तो देखते रहिए ये वीडियो. स्टार्ट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये टिंकल आईब्रो रेजर पैक. ये तीन रेजर्स का पैक नॉर्मली आता है, सिंगल में भी अवेलेबल होगा, बट ये तीन रेजर का पैक आपको पड़ेगा करीब 150 रुपये के आसपास. मैंने ये नायका से ऑर्डर किया था. अभी तक मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है इन रेजर्स के साथ. किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम मैंने अब तक फेस नहीं की है, ना ही मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है कि इससे हेयर्स काफ़ी थिक आए. या काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि फेशियल हेयर रिमूव करने के बाद फेस के हेयर काफ़ी थिक हो जाते हैं, जो न्यू ग्रोथ आती है, ऐसा कुछ भी मैंने अभी तक फेस नहीं किया है. मैं लास्ट कम से कम 2 से 3 साल से इस रूटीन को फॉलो कर रही हूँ. मैं अपने फेशियल हेयर इसी तरीके से रिमूव करती हूँ. पहले मैं अपनी आईब्रोज ज़रूर सैलून में बनवाती थी, लेकिन अब मैंने वो करना बंद कर दिया है. क्यों, अभी मैं आगे आपको बताऊंगी क्यों. मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने फॉरहेड से. जिस डायरेक्शन में आपका हेयर ग्रो कर रहा है आप उसी डायरेक्शन में अपने हेयर रिमूव करेंगे. कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में, हेयर ग्रोथ के अपोजिट डायरेक्शन में आप रेजर नहीं चलाइएगा. हल्का सा स्ट्रेच ज़रूर कीजिए ताकि आपको कोई कट ना लगे. लूज स्किन रहेगी तो ऑब्वियसली कट लगने का डर रहेगा. ऑल्दो इससे कट उतना लगता नहीं है, लेकिन फिर भी आप चांस क्यों ले रहे हो. अगर मतलब बच सकते हो तो प्लीज़ बचिए. हल्का सा स्ट्रेच करके और हेयर रिमूव कर लेंगे. आईब्रोज के पास प्लीज़ बहुत आराम से ये कीजिएगा. देखिए ये मेरा रूटीन है, मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं बोल रही हूँ करने के लिए. मैंने सिर्फ ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि अगर आप करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी हेल्प हो जाए कि मैं कैसे वो चीज़ कर रही हूँ, आपको देख के थोड़ा मदद मिल जाए. ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है कि मैं अपनी आईब्रोज खुद कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो आप किसी प्रोफेशनल से भी ये काम करा सकते हैं. यहाँ पे हम स्टार्ट करने से पहले लेंगे एक स्पूली. स्पूली हमें चाहिए क्योंकि हमारी आईब्रोज के हेयर काफ़ी ग्रो कर जाते हैं, स्पेशली मेरी आईब्रोज के हेयर काफ़ी ग्रो कर जाते हैं, तो मुझे उनको निकाल निकाल के स्पूली की हेल्प से कट करना पड़ता है. मैं अभी वही कर रही हूँ. मैं कॉम करूँगी बेसिकली अपनी आईब्रोज के हेयर्स को, और जो भी एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उन्हें अपनी सिजर की हेल्प से कट कर दूंगी. मेरी एक छोटी सी ट्रिक है गाइस कि आप अपनी आईब्रोज को अगर आर शेप में बनाते हैं तो आप अपनी आईब्रोज को दोनों साइड से हेयर रिमूव कीजिए, लेकिन जो मिडिल पोर्शन है उसे टच मत कीजिए ताकि आपकी आईब्रो की शेप ना बिगड़े. आप देख सकते हैं ये दो कट यहाँ पे जहाँ पे हेयर ग्रो नहीं हो रहा है. यही मैं आपको बता रही थी कि मैं क्यों सैलून नहीं जाती हूँ अब, क्योंकि ये दो ऐसे कट हैं जो मुझे सैलून वालों की देन है, और मुझे, मैं अब सैलून नहीं जाना चाहती. आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं यहाँ किसी के बारे में गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा नहीं रहा है. एंड ये 1-2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, इसे कम से कम नहीं तो आई थिंक 4-5 साल हो चुके हैं, और मेरे दोनों आईब्रोज के साइड के हेयर्स स्टार्टिंग में ही निकल गए थे और वो कभी ग्रो नहीं हो गए. और जिस टाइम पे ये इंसिडेंस मेरे साथ हुआ था उस टाइम पे मेरी आईब्रो देखने लायक थी. बहुत बहुत भयंकर इंसिडेंट था ये. मैं अब वो चांस नहीं लेती हूँ, मैं खुद ही घर में अपनी आईब्रो टैकल कर लेती हूँ. आईब्रोज थोड़ा आराम से, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा गाइस, क्योंकि एक भी अगर आपने रेजर इधर उधर चलाया तो आपकी आईब्रोज बिगड़ जाएंगी. प्लीज़ थोड़ा ध्यान से. आपको कुछ नहीं करना है. सबसे पहले अपना नॉर्मल एक्स्ट्रा हेयर कट करने के बाद आपको देखना है किस डायरेक्शन में आपके हेयर जा रहे हैं. प्लीज़ ऑपोजिट डायरेक्शन में हेयर नहीं निकालिएगा. जो भी एक्स्ट्रा हेयर हैं आपकी आईब्रो लाइन के, अगर आप चाहें तो आप अपनी आईब्रोज को मार्क भी कर सकते हैं कि आपको कितनी हाइट चाहिए, कहाँ से आपको हेयर निकालना है. उससे बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन मुझे क्योंकि ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है, मैं कभी भी
शेप नहीं करती हूँ आईब्रोज़ को, जो ऑलरेडी मेरी शेप है बस उसी को लेके मैं अपनी आईब्रोज़ के एक्स्ट्रा हेयर रिमूव कर देती हूँ। अगर कोई एक आध हेयर बचता भी है जो इससे मेरा नहीं रिमूव हो पाया है तो फिर मैं प्लकर की हेल्प से उस हेयर को रिमूव कर देती हूँ। सो बेसिकली आपको बस इस तरीके से रेज़र चलाना है और जो भी एक्स्ट्रा हेयर हैं उन्हें रिमूव कर लीजिए। बहुत ही आराम से कीजिएगा। मैं एक एक सिंगल सिंगल हेयर एक बारी में करती हूँ, मैं कभी भी पूरा पंच नहीं निकालती। जो इस रेज़र का फ्रंट का एरिया है आप उसको सिर्फ यहाँ पे उससे आप काम करेंगे, आपको पूरा रेज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं और अब हम रिमूव करेंगे अपने साइड लॉक वाला एरिया, लेकिन मैं वहाँ से सारे हेयर्स नहीं रिमूव करूँगी गाइस। थोड़ा नेचुरल फिनिश रखने के लिए जो भी एक्स्ट्रा हेयर हैं उन्हें मैं ऊपर की तरफ पुल कर लूँगी और उसके बाद अपने ईयर के हाफ जो नीचे का पोर्शन है बस उतने पोर्शन को टारगेट रख के मैं अपने हेयर्स रिमूव कर दूँगी। सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे गाइस, हेयर डायरेक्शन की जो ग्रोथ है उसी ग्रोथ में हम हेयर रिमूव करेंगे। इस एरिया पे मैं कभी रिमूव नहीं करती हूँ हेयर। तो बस हल्का स्ट्रेच कीजिए और रिमूव कीजिए। मैं कोई भी क्रीम या कोई भी ऑयल या कुछ भी मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ इस स्टेज पे। अभी मैंने सिर्फ अपना फेस वॉश किया है, वो भी नॉर्मल फेस वॉश से। कोई भी मैंने यहाँ पे स्क्रब या कुछ भी इस तरीके की चीज़ नहीं की है, क्योंकि इस रेज़र की खासियत यही है गाइस कि ये ना सिर्फ हेयर्स बल्कि इसके साथ साथ आपकी डेड स्किन भी रिमूव कर देता है। आई होप आपको ये लेयर दिख रही हो मेरे फेशियल हेयर्स की निकलते हुए। सो गाइस क्वारंटाइन है और हम लोग कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं और प्लीज़ मत चाहिएगा। काफ़ी लोगों को शायद नहीं पता है लेकिन मैं खुद एक हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ। मैं करीब 11 साल से उस हॉस्पिटल में जॉब कर रही हूँ। इतनी भी मेरी नॉलेज है, उस नॉलेज के हिसाब से मैं सिर्फ यही आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए, अगर इम्पॉर्टेंट है तो ही बाहर जाइए, अदरवाइज बिल्कुल अवॉइड कीजिए बाहर जाना, बिकॉज बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी गाइस अगर आप लोग नहीं अभी मानोगे। आगे जाके ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा हाथ से निकल जाएगी कि हम लोग भी शायद इटली की तरह कुछ ना कर पाएं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे फैलने लगी तो वो इतनी फैलेगी कि कोई उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। फैसिलिटीज़ हमारे पास उतनी नहीं है ऑब्वियसली। सो प्लीज़ गाइज मेरी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, अपनी ना सही एटलीस्ट अपनी फैमिली, अपने माँ बाप, उन सब की चिंता कीजिए। प्लीज़ बाहर मत निकलिए, थोड़े से टाइम की बात है। एक बार सब सेटल हो गया उसके बाद तो आप लोग बाहर जा ही सकते हैं। फाइनली मैं बस चेक कर रही हूँ कि दोनों साइड बराबर रहें ताकि ऐसा ना हो कि एक साइड ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि हमने कम्प्लीटली हेयर नहीं रिमूव किया है साइड से। अब बस आपको अपना फेस वॉश करना है, जो कि आपको यूज़ करना है नॉर्मल पानी, कोई हॉट वाटर नहीं, कोई कोल्ड वाटर नहीं, नॉर्मल टैप वाटर। और अब मैं अप्लाई करूँगी ये प्लम का फेस ऑयल। इस टाइम पे आपके हेयर्स के साथ आपकी स्किन भी रिमूव हुई है तो आपको एक अच्छा मॉइस्चराइज़र चाहिए ही चाहिए, ताकि आपकी स्किन दोबारा अच्छे से ग्रो कर पाए, आपके सेल्स अच्छे से ग्रो कर पाए। लेकिन कोई भी केमिकल बेस्ड मॉइस्चराइज़र मत यूज़ कीजिएगा गाइस। मेरे पास ये प्लम का ग्रीन टी मॉइस्चराइज़र था जिसमें किसी भी तरीके के हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं है, इसलिए मैंने ये यूज़ किया। आप कोई भी अपने पास जो भी आपके पास अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं, अगर कुछ और नहीं तो आप नॉर्मल नारियल तेल भी यूज़ कर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट है। सो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक देना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर हिट कर दीजिएगा, ताकि मेरी फ्यूचर की कोई भी वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए। सो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।